हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्टिविटी इन सॉइल। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के बारे में। सो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडिक्वेट एंड इम्पोर्टेंट एंजाइम एंड इट इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट बायो इंडिकेटर फॉर रिलेटिंग टू सॉइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, कैसे? बाय ट्रांसफरिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर में क्या करता है, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सो डिहाइड्रोजनेस इज परपोज एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल रिडोक्स सिस्टम एंड कुड बी कंसिडर एज ए गुड एंड एडिक्वेट पैरामीटर ऑफ माइक्रोबियल ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज इन सॉइल। तो सॉइल में रेस्पिरेशन देखने के लिए, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने के लिए आप क्या करते हैं, यानी कि सॉइल कितनी बायोलॉजिकली एक्टिव है उसको देखने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी का परफॉर्म करेंगे, डिहाइड्रोजनेस एक्टिविटी। ठीक है, सो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स टू एस्टिमेट द डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज INT आइडोनाइट्रो टेटाजोलियम क्लोराइड एंड थर्ड वन इज NADH ऑक्सीडेशन बाई यूजिंग द NADH ट्रीस बफर। सो दे आर द थ्री अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो जनरली वी आर यूजिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ट्राइफिनाइल टेटाजोलियम क्लोराइड। ठीक है, TTC एंड यू कैन ऑल्सो यूज द अदर अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स on the basis of your requirement and the reagent is available in your lab or not. So next is principle, कि किस principle पर आपका dehydrogenase enzyme जो है वो work करता है। So अगर आप TTC acceptor को लेते हैं जो कि सबसे पहले आपका दिया था Lenhardt ने 235 ट्राइफिनाइल क्लोराइड को, जिन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था उस मतलब सॉइल के अंदर एज एन अल्टरनेटिव एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर TTC जो है वो Lenhardt ने सबसे पहले स्टडी किया था माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने के लिए सॉइल के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे जो एजप्शन है वो क्या है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो TTC है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है फॉर डिहाइड्रोजनेस सिस्टम एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ रेड ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम फॉर्मेजिन। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे, जो TTC है एनारोबिक कंडीशन में वो क्या फॉर्म कर देगा, TPF को फॉर्म कर देगा। TTC किसके तरह एक्ट कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उतना ही जल्दी आपका TPF का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर। बेसिकली प्रोसीजर में आपको डिफरेंट रिएजेंट्स चाहिए, जैसे ट्रिस बफर चाहिए, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड चाहिए, 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन, मिथेनॉल एंड एसीटोन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस अगर आपको जानने हैं कि किस तरह से बनाने हैं तो यू कैन कमेंट बिलो। तो ये है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ सॉइल लेनी है, फ्रेश सॉइल होनी चाहिए और आपको क्या करना है उसको सीव कर लेना है। ठीक है, 15 ml स्क्रू कैप बोटल के अंदर 0.2 ml यानी कि आपकी 1 ग्राम सॉइल होगी उसके अंदर 0.2 ml होगा 3% TTC सॉल्यूशन का, 0.5 ml होगा आपका 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन का। फिर आपकी जो स्क्रू कैप बोटल होगी उसको आप क्या करेंगे, सील कर देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे और इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे 24 hours के लिए डार्क में। फिर आपको इसी के साथ साथ अपना ब्लैंक भी रन करना है 1 ml विद 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर के साथ। फिर आफ्टर इंक्यूबेशन आपको सारे सैंपल्स निकाल लेने हैं इंक्यूबेटर से और उसके बाद उसमें ऐड करना है 10 ml ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन और उसको फिर क्या करना है, या तो आप मिथेनॉल यूज़ कीजिए, एसीटोन यूज़ कीजिए। ठीक है, फॉर 1 मिनट के लिए आपको उसको अच्छे से शेक करना है और उसको भी आपको 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो आपका ये सुपर नेटेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर करेंगे 50 ml कॉनिकल फ्लास्क में और जो ये फिल्ट्रेट होगा उसको आप क्या करेंगे 485 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इसकी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे वो कौन सा है, वॉट्समैन No. 2 फिल्टर पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो ये थी आपकी डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्टिविटी, किस तरह से इसके रिएजेंट को हम बनाते हैं,
इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस यू कैन कमेंट बिलो आई विल डेफिनेटली टेल वन बाय वन ऑल एंड डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में.